ठीक है, आइए। हारून रशीद चेस्ट नंबर 237। ठीक है, 232। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सर स्टेज पर तशरीफ लाएं, और इसके बाद जनाब तशरीफ लाएंगे यासर सुल्तान चेस्ट नंबर 217। ये फोटो सेशन के लिए जरा सामने भी देखें प्लीज काइंडली। आ जाइए 217। यूनस खान चेस्ट नंबर 203। 203 असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर 156। श्याम राजा चेस्ट नंबर 206। मोहम्मद सलीम चेस्ट नंबर 5वें नंबर पे है श्याम 206, यहाँ पे लिखा हुआ है 218। बहुत शुक्रिया असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साहब, आप सर स्टेज पर तशरीफ लाए। अब मैं मुल्तवीस हूँ डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनाब ताहिर मुमताज साहब से कि सर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और पोजीशनें जिनने हासिल किया एंड पे उन पे आप जो है वो इनामात तकसीम फरमाएंगे। थर्ड तीसरे नंबर पे जो है 162 चेस्ट आदल भट्ट। और सेकंड पोजीशन रही इस मैराथन रेस में 216 चेस्ट मिस्टर इब्रार अहमद। इब्रार जो है ये यूथ फुटबॉल क्लब के खेलते भी हैं और मिडफील्डर भी हैं, और आज भी इनने मिडफील्ड में दौड़ते हुए जो पोजीशन हासिल की, आप इसके बाद स्टेज पे तशरीफ लाएंगे। और हाशिम की जानिब से 1000 रुपया जो है आपके लिए इनाम है, ये भी आप डीसी साहब से रिसीव करेंगे, ये 1000 रुपया डीसी साहब देंगे इसी के हाशिम की जानिब से 1000 रुपया अब्रार के लिए। तो लीजिए जनाब, अब नंबर है पहला और मैं पुकारूंगा चेस्ट नंबर 100 जुनेद शाह। जुनेद शाह चेस्ट नंबर 100, वेल प्लेड मैराथन रेस इनके लिए। शेर खान के लिए स्पेशल इनाम है, तो मैं शेर खान से मुल्तमिस हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। शेर खान स्पेशल इनाम के लिए, शेर खान भाई, शेर खान के लिए भी तो तालियां बजाएं, क्या हो गया आपको, कम ऑन बॉयज, हौसला रखते हैं हौसला, ये हौसले की बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 1122 इश्तियाक सुबानी साहब अपना इनाम रिसीव करें। अच्छा बहुत शुक्रिया जनाब डीसी साहब, आप सर तशरीफ लाए और आपने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। बाकी जितने यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, इंतजामिया है, 1122 है, और डीसी ऑफिस के लोग हैं, और जितने भी लोग हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, पे तशरीफ रखते हैं ये, क्योंकि ये रेस में जो सबसे पहले विन किया था वो शेर खान ने किया था। उसकी रीज़न ये थी कि फिर इनसे हमने पूछा कि इनके में पूछा, इन्होंने कहा इसका शर्ट नंबर नहीं है और चेस्ट नंबर नहीं है। शेर खान चूँकि नेशनल लेवल का प्लेयर है,
और नेशनल इवेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, और क्योंकि नेशनल लेवल के प्लेयर का जो स्टेमिना होता है और नेशनल लेवल के प्लेयर की जो क्या कहती है एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स की, वो लोकल से ज़रा हाई लेवल की होती है। तो शेर खान के लिए ये जो रेस थी ये विन करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट इवेंट था और स्पोर्ट्स वालों से हमने कंसल्ट किया कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट इवेंट था तो नेशनल लेवल के प्लेयर्स को आपने इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा था नहीं ये आए हैं तो हमने इनको शामिल किया है। तो इसके लिए एक तो इन्होंने स्पेशल प्राइज़ दिया और हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि शेर खान के लिए आप स्पेशल ट्रॉफी भी देंगे इनको, क्योंकि शेर खान ने इस इवेंट में आके न सिर्फ बच्चों को इनकर्ज किया है बल्कि बूस्ट किया है, और ये एक तरह से इंस्पिरेशन भी है ये बच्चों के लिए जिन्होंने इस पर शिरकत किया। तो बिग अप्लॉज ऑफ राउंड फॉर शेर खान, ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए शेर खान के लिए। शेर खान के लिए फर्स्ट प्राइज़ मैटर नहीं करता है, शेर खान के लिए ये था कि इसमें पार्टिसिपेट करना, और हमारे बच्चों के लिए ये इनकर्जमेंट हौसला अफजाई भी थी, और ये शेर खान से इनकर्जमेंट मिली है बच्चों को। तो शेर खान अगर कोई नेक्स्ट नेशनल लेवल का इवेंट होता है तो दे विल इनवाइट यू और आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करवाएंगे। एडी साहब को हमने कहा है कि आपके लिए स्पेशल ट्रॉफी भी आपको भिजवाएं, सो बिग हैंड इसके लिए अप्रिसिएशन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब एसी साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की यहाँ पे आके जी। ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस वाले जवान जो है आए और यहाँ से अपनी शील्ड रिसीव कर लें। ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल यहाँ पे आज इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो संभाल के रखा है ट्रैफिक को, और रेस भी मुकम्मल हुआ है। तो जनाब इसहाक साहब, सर आपसे गुजारिश है कि अपनी शील्ड जो है वो रिसीव कर ले आके। भाई ये ट्रैफिक वाले ने सारा निज़ाम कंट्रोल किया है, ट्रैफिक वालों को क्लैपिंग कर दें, क्योंकि ये यही इन्हीं की वजह से आज आप यहाँ पे रेस पे पहुँचे हैं। गर्मी हो सर्दी हो ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है। एक दफ़ा ज़ोरदार क्लैपिंग करें, और इसहाक साहब आप इनाम के लिए ऊपर तशरीफ लाएं सर। रेस्क्यू 112 के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी डीसी साहब से अपना इनाम हासिल करें। रेस्क्यू 112, बहुत शुक्रिया इसहाक साहब आप यहाँ पर तशरीफ लाए और आपने जो है शील्ड रिसीव की। रेस्क्यू 112। इसके बाद इरफान PAT वो तशरीफ लाएंगे, अपनी शील्ड रिसीव करेंगे। रहेगी पुरवकार तकरीब इससे पहले के अपने इख्तिताम को पहुंचे, SCO के इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए शील्ड है तो वो शील्ड रिसीव करें। ऐसी नहीं थी मेरे पास, किसी वजह से थोड़ी सी खराबी हुई है, तो अगर तरफीज पहले होती तो ये भी ना होती। बहरहाल जी मोस्ट वेलकम आपका। SCO जी, SCO के लिए भी क्लैपिंग करें। SCO बड़ा अहम इदारा है जी हमारा, तो उसके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। तमाम इदारे बड़े अहम होते हैं। जनाब इंजीनियर साहब आप शील्ड रिसीव करेंगे। शेर खान आप तशरीफ लाएं। शेर खान
शेर खान साहब आप तशरीफ लाएं। वेयर इज मिस्टर शेर खान जी? डिप्टी कमिश्नर साहब आप भी साथ तशरीफ लाएं स्टेज पर। शेर खान साहब आप आए, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, आपने नौजवानों की हौसला अफजाई फरमाई है। शेर खान के लिए एक बार फिर क्लैपिंग कीजिए। ये है शेर खान, नेशनल प्लेयर हैं और यहाँ पे उनने सबसे टॉप पे आए हैं। उनने नौजवानों को ये भी सबक दिया है कि अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप शेर खान जैसे कई शेरों को भी काट सकते हैं। शेर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया।